So today I am sharing a very interesting and a very important session with all the students, with all the NEET aspirants who are targeting a NEET exam for the next year of 2024. So in this session, we are going to compare the cutoffs of NEET 2023 with the cutoff of NEET 2024. Hello everyone, this is Nishi from Topos Academy and I welcome you all to the Topos Academy YouTube channel. So today I am sharing a very interesting and a very important session with all the students, with all the NEET aspirants who are targeting a NEET exam for the next year of 2024. So in this session, we are going to compare the cutoffs of NEET 2023 with the cutoff of NEET 2024. Although the NEET 2024 cutoff is not sure, is not fixed, but then also we are just taking an assumption that so that we can start our preparation in a good manner. Fine. So, आज हम compare करेंगे 2023 की cut off को 2024 की cut off से. 2023 में क्या क्या marks रहे, किस किस category को किस किस marks पे close किया गया, कितने number पर बच्चों को college पे seat मिली for general, OPC, ST, EWS और SC category के बारे में. फिर हम उसको next 2024 में क्या क्या जा सकती है उससे compare करेंगे. Fine. तो अगर हम बात करें all India quota NEET score की, जस्ट अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल इंडिया कोटा. मैं स्टेट कोटा की बात नहीं कर रही हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल इंडिया कोटा नीट स्कोर. ऑल इंडिया पे कितनी कितनी कट ऑफ गई, कितने कितने राउंड पे गए, मैं उसकी बात कर रही हूँ. फाइन. सो जस्ट बी विद मी टिल द एंड, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, राइट. सो जो हमारी कैटेगरीज रही वो थी हमारी यू आर, दैट इज अनरिजर्व, दैट इज जनरल कैटेगरी, ओ बी सी, EWS, SC which is scheduled caste, ST which is scheduled tribe, right. So round जो हुए हमारे हुए तीन. Fine. 2023 की जो काउंसलिंग रही राउंड रहे उसमें तीन, लास्ट में आपका रहा एज यूजुअल स्टे वैकेंसी. राउंड वन की बात करें तो वी हैव 618 मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी. फॉर OBC वी आर हैविंग 617, फॉर EWS वी हैव 613, फॉर SC वी हैव 549 फॉर SC कैटेगरी स्टूडेंट्स, फॉर ST वी हैव 469. फाइन. इफ यू लाइक केयरफुली सी, इफ यू केयरफुली लाइक नोटिस ऑल द थिंग्स, देन वी कैन नोटिस दैट बिटवीन द लाइक आपकी जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी के बीच में कोई खासा डिफरेंस था नहीं. हालांकि सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस रहा, कैटेगरी सिर्फ नाम के लिए है, मेहनत हर बच्चे को बराबर करनी है. फाइन. हाँ, अगर आपके पास इफ यू हैव दोज सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स देन गो फॉर द बेनिफिट. ओके. राउंड टू की बात करें, लाइक कुछ बच्चे ऐसे थे अगर 618 में जिन बच्चों को मिल गया, किसी बच्चों के थे 617, 616, 615, 614, 613 और 612. उनके पास होप थी कि चलिए सेकेंड राउंड में हम कर लेंगे, उन्होंने वेट किया. सेकेंड राउंड जब हुआ तो जनरल कैटेगरी क्लोज हुई 612 पे ही. OBC भी आपका क्लोज हुआ. EWS गया आपका 608 पे. SC गया 492 पे. ST गया 465 पे आपका. फाइन. अगर आप गौर से देखो तो जनरल और OBC के बीच में कुछ भी डिफरेंस ज़्यादा नहीं है. ओके. सो और राउंड थ्री की हम बात करें तो राउंड थ्री पे हमारी गई 611. OBC के लिए भी वही सेम, कोई डिफरेंस नहीं, 611 रहा. EWS के लिए गया आपका 608. फॉर SC इट वॉज 486. फॉर ST इट वॉज 453. फाइन. ये तो हो गए तीनों राउंड. अभी फिर भी कुछ उम्मीद बाकी थी, कुछ बच्चे थे लाइक उनको मिलना था, कॉलेज तय था, तो दे वेट अंटिल देयर लक चेंजेस. सो स्टे वैकेंसी में जब गया, लास्ट हमारा राउंड था ये, तो क्लोज हुआ 610 पे. ओनली वन मार्क्स डिफरेंस वॉज देयर. OBC के लिए वही सेम रहा 610. EWS के लिए भी रहा 607. ओनली वन मार्क्स डिफरेंस वॉज देयर. SC के लिए भी रहा 480 रहा आपका. हालांकि 486 आपका रहा था राउंड थ्री में, सिर्फ सिक्स नंबर्स का आपका डिफरेंस रहा. एंड फॉर ST इट वॉज 445. ओनली 8 नंबर डिफरेंस वॉज देयर. फाइन. सो ये तो रहा कट ऑफ 2023 का. अभी नेक्स्ट 2024 का क्या रहेगा, कुछ तो आइडिया हो. अगर आपको एक प्रॉपर कुछ एक कट ऑफ लाइक लम्स अमाउंट अगर दिख जाता है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना
स्ट्रैटेजी बना सकते हो कि लास्ट ईयर इतना रहा, इतना हम अगर लाते हैं तो हमारा सिलेक्शन पक्का है। अगर मैं सिर्फ 2024 की बात करूँ कितनी कितनी जा सकती है, तो लेट्स जस्ट हैव अ लुक कि अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो आपका हो सकता है 620 प्लस, जनरल कैटेगरी की 620 प्लस पे जा सकती है। हालांकि अगर हम वो देखें अपना नेक्स्ट लास्ट ईयर का, तो गया 618 पे क्लोज हुआ, और 2024 में ज़्यादा से ज़्यादा दो नंबर का हो सकता है, मोर देन टू नंबर आपका इंक्रीज कर सकता है, 620 पे हम मान के चलते हैं। अगर मैं बात करूँ ओबीसी की यहाँ पे, तो ओबीसी का आपका रहेगा 650 नंबर का, दो से तीन नंबर का इंक्रीमेंट। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 620 प्लस जा सकता है, एससी की बात करूँ तो 520 प्लस जा सकता है, एसटी की बात करूँ तो 480 प्लस जा सकता है। बस ये अजम्पशन है, इट इज़ नॉट फिक्स, डोंट टेक इट सीरियसली कि इतने इतने पे मेहनत करते हैं बस हमारा हो जाएगा, नहीं। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पशन कि आप पोस्ट इतनी इतनी ही जा सकती है, ऐसा नहीं अगर पिछली बार 620 गई है तो 650 चली जाएगी, 650 चली जाएगी, 640 नहीं, इतना नहीं जाएगा, सिर्फ दो से तीन नंबर का डिफरेंस रहता है। अब सवाल ये उठता है कि हम टारगेट कितना बना के चलें ताकि हम अपना कट ऑफ वाला टारगेट जो 2024 में अज्यूम करके बैठे हैं वो हम अचीव कर सकें। सो यू शुड मेक द टारगेट ऑफ 650 प्लस ओनली। 650 का टारगेट बना के चलोगे या 650 से ज़्यादा अगर आ गए, देन वेल एंड गुड। 650 का टारगेट बनाओगे तो जो टारगेट हमने जो कट ऑफ हमने अज्यूम की थी अपनी उसके लिए 2024 के लिए, वो अचीव कर सकते हो। 650 से उस साइड चले गए तो ऑब्वियसली यू आर वेरी गुड, आप बिल्कुल बिल्कुल तो सेफ हो ही। अगर 650 पर रुके हो तो यू आर डेफिनेटली गेटिंग अ मेडिकल कॉलेज, हालांकि इतनी कट ऑफ नहीं जाने वाली है, सिर्फ दो से तीन नंबर का डिफरेंस आपका रहता है, इतनी नहीं जाएगी। बट आई एम जस्ट गिविंग, अगर आप टारगेट सारी कैटेगरी बच्चे, वेदर यू बिलोंग टू जनरल, वेदर यू बिलोंग टू ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी और एसटी, एनी कैटेगरी, यू हैव टू मेक टारगेट ऑफ 650 प्लस सो दैट यू कैन अचीव अ गोल ऑफ गेटिंग दैट कट ऑफ दैट वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली। फाइन, सो इतना टारगेट बनाओगे तो वो कट ऑफ आप डेफिनेटली क्रैक करोगे ताकि आपको प्रॉपर गवर्नमेंट कॉलेज या मेडिकल कॉलेज आपको एमबीबीएस के लिए मिल सके। ये तो बात हो गई आपकी कट ऑफ की। नेक्स्ट बात आती है, अभी बच्चों को ज़्यादा को यही नहीं पता है कि हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं कितने, टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस हैं कितने हमारे, तो एक छोटा सा हम आइडिया आपको देते हैं। अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करूँ तो हमारे पास हैं 272 मेडिकल कॉलेजेस। अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ तो 260 आपके रहेंगे, अभी और इंक्रीज भी हो गए हैं, टोटल 532, मोर देन आपके 550 आपके कॉलेजेस हैं टोटल, गवर्नमेंट मेडिकल दोनों मिला के, तो मोर देन आपके 550 कॉलेजेस अभी हैं आपके पास फॉर एमबीबीएस। एंड वन मोर थिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट एमबीबीएस सीट्स, मैं सिर्फ एमबीबीएस सीट्स की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं और किसी कोर्स की बात हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एमबीबीएस सीट्स की। सीट्स की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी रहेंगी सीट्स आपकी 42,000, और अगर मैं बात करूँ प्राइवेट कॉलेज में मेडिकल सीट्स की, स्पेशली फॉर एमबीबीएस सीट्स, तो आपकी रहेंगी मोर देन 35, 35,500 आप बोल सकते हो, 36,000 आप कह सकते हैं, और टोटल में बात करूँ तो 80,000 आपकी सीट्स रहेंगी प्रॉपर गवर्नमेंट कॉलेज और मेडिकल और प्राइवेट कॉलेजेस फॉर एमबीबीएस स्पेशली। ओके, तो अगर आप देखें तो 50-50 का आप करेगा, 50 आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की सीट, 50 आपकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट्स, स्पेशली फॉर एमबीबीएस, राइट। सो इसी हिसाब से स्ट्रैटेजीज बनाइए अपनी, किस किस नंबर पे कितना कितना आपको कॉलेज मिल रहा है, कट ऑफ्स पे, कट ऑफ पता चल गई हैं, आप आइडिया लगाइए कि 2023 अगर इतनी गई थी तो कितनी मेहनत हमें करनी है कि 2024 में हमें आगे जाके अपना ड्रीम कॉलेज मिल सके। फाइन, तो उसी हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज बना के रखिए एंड होप कि आप अच्छे से अच्छा कॉलेज अपने आप को दे पाएँ। खुद को मेहनत इतनी कीजिए, अपनी प्लानिंग कीजिए अच्छे से, अगर प्लानिंग कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं तो उसको और अच्छी तरीके से बेहतर बनाएं कैसे, ठीक है। तो ये कट ऑफ कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल रहेगी एक आइडिया देने के लिए रफली कि कितनी मेहनत हमें और पिछले साल के हिसाब के मुकाबले हमें कितनी और ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि वी कैन गेट आवर ड्रीम मेडिकल कॉलेज और वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, राइट। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो, एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर दैट वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टॉपर्स अकेडमी ऑलरेडी स्टार्टेड द बैच for the droppers of NEET 2024, those who are aiming that exam, ठीक है।
कट ऑफ मिल गई, बैच भी मिल गया, तैयारी शुरू कीजिए अपनी. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन विजिट द टॉपर्स वेबसाइट ऑल्सो और द कॉन्टैक्ट नंबर्स गिवन ऑन द स्क्रीन. होप टू सी यू सून. ऑल द वेरी बेस्ट.